डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, मेरी वीडियो का मकसद मैं भी लंदन जाके चीज केक लेके आऊं आपके लिए। तो क्या हाल है आप लोगों का? हाल कैसा भी हो उससे तुझे क्या मतलब, तू अपना बकचोदी स्टार्ट करना है? बात बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हो भाई, कर तो रहा हूँ ना बकचोदी स्टार्ट। इस वीडियो में हम उसकी बात करने वाले हैं जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के ऊपर #prank और #prankster लिखते हैं। हम बात करने वाले हैं उस स्थिति की जब कोई लड़का किसी सिचुएशन में फंस जाता है, अगर लड़की उसका साथ देती है या फिर सपोर्ट करती है तो दूसरे लड़के देखकर बस यही बोलते हैं, बस ऐसे सपोर्ट करने वाली गर्लफ्रेंड चाहिए लाइफ में, गुलाबी दिल। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बकचोदी। वो अभी मैंने जस्ट नोटिस किया कि आप मुझे देख रही थी, तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट नहीं है, नोटिस कर रहा था, कोई प्राकृतिक आपदा आने वाला है जो इसे नोटिस कर रहा था, देख नहीं रहा था, नोटिस कर रहा था, आंख में कीड़ा नहीं पड़ा, अंधा हो गया, भूख नहीं लगी, खाने का मन कर रहा, इसका क्या मतलब होता है? इसे तो सिंपल भाषा में भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, सिंपल भाषा में बोलेगा तो कूल कैसे लगेगा? यू आर स्माइलिंग, मैं कह रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड इज स्टिल यू आर स्माइलिंग, मैं नहीं पटने वाला उसको। ये कहाँ का नियम है कि लड़की देखकर अगर मुस्कुरा दी तो वो तुमसे प्यार करती है? ऐसे तो मुझे भी देखकर लड़कियां मुस्कुराती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सड़क पर चलते फिरते लड़कियों के हाथ में आई लव यू का कार्ड बांटता चलूं। हो सकता है उसे तुम्हारी टट्टी जैसी शक्ल देखकर हंसी आई हो। मैं दर्द हो रहा है अंदर ही अंदर, पेन अब सह रही हो, बट उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका इलाज फिलहाल मेरे पास नहीं है। नहीं तू पहले ये बता दे कि डॉक्टर बन के उसका इलाज करने आया है या फिर प्रैंकस्टर बन के प्रैंक करने? इसका इलाज फिलहाल मेरे पास नहीं है, हट। आप बहुत ज्यादा बात करना चाहती हो मुझसे, सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड, बट अगर आपको कुछ जानना है मेरे बारे में थोड़ा देर वेट करो। अगर बहनचो ये कहां का अदालत है जिसमें लड़कियों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जब भी बोलने की कोशिश करती है लगता है गलत आवाज़ कर उसको चुप करा दिया जाता है। तो आपका नाम क्या है? मीनल। मीनल आपका नाम क्या है? लेकिन एक सेकंड, देखा ये क्या बात बात पर हंसी आ रही है, कुछ भी बोलो हंसी जा रही है, देखा RCB IPL टीम से बाहर हो गई, जॉनी सिंस मियां खलीफा के साथ भाग गया, आज रात को रात हो जाएगी, कल सुबह सुबह हो जाएगी। मैं भी पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरा एक्चुअली आज एग्जाम था, मैं फेल हो गया। तुमसे प्यार नहीं करने का एग्जाम था। हाँ ये बकचोदी देखना तो बाकी ही था, ये पब्लिक को चूतिया बना रहा है, ये पब्लिक को चूतिया बनाता है कि इसका वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, यहाँ की पब्लिक इमोशनल है, बकलंड नहीं। शाबाश, पूरा स्क्रिप्टेड है भाई, पहले लड़की को जाके बता दिया जाता है कि मैं ऐसे बोलूंगा तो आप ऐसे बोलना। मैं भी लंदन जाके चीज केक लेके आऊँ आपके लिए। लेकिन एक सेकंड, इंडिया में भी मिलता है हमारे? इंडिया में भी मिलता है, वही आपको देखने के बाद तो लग ही रहा है इंडिया में भी मिलता है। जिंदगी का भी कोई मतलब है या फिर ऐसे ही बकचोदी करते रहना है? लड़की को चीज केक बना दिया, एक लड़की और एक चीज केक में उतना ही फर्क होता है जितना कि एक सुअर और गेंडा में। भलाई इसी में है कि लड़की पर प्रैंक कर रहा है लड़का पर नहीं, लड़का पर प्रैंक करता तो कुछ ऐसा हाल होता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब यहाँ पर हंसने और लड़ने का हुनर देख लिया हो तो चलते हैं अगला एपिसोड की ओर। पता है तुम लोगों को स्वागत और सुहागरात मिलकर एक नया शब्द बनाया है जिसे स्वागरात कहते हैं। देखते हैं कि स्वागरात कैसे मनाया जाता है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, उसके पास ज्ञान की कमी है तो बंदा किताब पढ़ के अपना ज्ञान ले रहा है, हंस के बकचोदी कर दी। हेलो, हाँ बेबी मैंने देख लिया जस्ट में आ। अरे वाह क्या बात है, इस दुनिया में चूतियों की कमी नहीं है, फोन जेब से उठाते ही फोन उठ गया। क्या फोन है, लाजवाब बहन तो लाजवाब। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भीगे हट तेरे, नहीं हिसाब किताब अभी कर ले, तू प्रैंक करने आया है या फिर इमरान हाशमी बनकर उसे गाना सुनाने? एक्चुअली आई एम सिंगर फॉरनर, आई एम रिटर्न थाईलैंड। ये क्या बकचोदी है, फॉरेनर सिंगर है, थाईलैंड से आया है और यहाँ क्या गांड मराने आया है? माई इंग्लिश इज गुड ना? या योर इंग्लिश इज वेरी गुड बट यू आर गांडू। मैं बहुत जल्दी स्टार बनने वाला हूँ ना, ऐसे में तो मैं भी बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला हूँ, अभी अभी ड्रीम इलेवन पे 59 रुपए का मैच जो लगाया हूँ ना। क्या हुआ भैया, पागल हो गया, अब इसमें करंट है। आप लोग को पता है कि प्रैंक वीडियो स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि यह मोटा लड़का इससे पहले वाले वीडियो में भी दूसरा ड्रेस पहनकर लिफ्ट में खड़ा था और अभी भी है। यार ये लोग जैसा भी वीडियो बनाते उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या है, मुझे तो कॉन्टेंट मिल रहा है।
और अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो यार लाइक मारो, और तुम लोगों में से जितने भी लोग पहली बार मेरी बकचोदी देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तो सब्सक्राइब का बटन भी व्हाइट हो गया है, उजला हो गया है, तो यार वो जो व्हाइट वाला बटन है उसे सब्सक्राइब करो, दबा दो, उसको फोड़ दो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।